गाइस, हमने मार्जिन के बारे में देखा, हमने पैडिंग के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आउटलाइन के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ किस तरह से शैडोज आप लोग सीएसएस में ऐड कर सकते हो, इस चीज के बारे में बताऊंगा। हमने जो सीएसएस का बॉक्स मॉडल पढ़ा उससे हमको सब कुछ समझ में आ गया कि बॉर्डर का होता है, मार्जिन का होती है, पैडिंग का होती है और एक्चुअल कॉन्टेंट कहां पर होता है। इस वीडियो में शैडोज एंड आउटलाइन को एक्सप्लोर करेंगे। काफी मजा आ रहा है थ्रू आउट द कोर्स यार। आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओ भी लिखते रहना यार। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वही करूँगा जो मैं करता आ रहा हूँ पिछले 23 वीडियोस से। वीडियो 24 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को, और इसको खोलूंगा वीएस कोड में। और आज का जो मुद्दा हमारा होने वाला है वो है शैडोज, कि किस तरह से शैडोज दी जाती हैं। आप लोग शैडो दे सकते हो किसी भी एलिमेंट को। मैं यहाँ पर जल्दी से इंडेक्स डॉट html यहाँ पर जो है बनाऊँगा, और उसी के साथ साथ आप लोग आउटलाइंस भी दे सकते हो। आउटलाइंस देने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आउटलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये आउटलाइन बॉर्डर से किस तरह से डिफरेंट है, क्यों हम लोग आउटलाइन यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम बॉक्स शैडो से। सबसे पहले शैडोज़ की बात करेंगे, सीएसएस के अंदर क्या होती हैं। तो सीएसएस के अंदर शैडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक एलिमेंट को विजुअली शैडो देने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पर सिंपली एक डिव बनाऊँगा, डिव डॉट बॉक्स, और इसके अंदर मैं लिखूँगा आई एम अ बॉक्स, और यहाँ पर मैं सिंपली स्टाइल टैग डालूंगा और यहाँ पर लिखूँगा डॉट बॉक्स, और मैं लिखूँगा सिंपली यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लेटर्स से, और दैट्स अबाउट इट। या दैट्स अबाउट इट। पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी, 34 पिक्सल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कहाँ गया मेरा प्रीव्यू बटन, इसको ओपन इन ब्राउज़र कर दूंगा मैं, और देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नो सरप्राइजेज व्हाटसोएवर यार, इतना तो हमने किया और इसके बारे में आप सबको मालूम है। अब अगर मुझे इस बॉक्स में शैडो देनी है तो मैं बॉक्स शैडो का इस्तेमाल करूँगा, और बॉक्स शैडो का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप डालते हो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, यहाँ पर आप डालते हो वर्टिकल ऑफसेट, यहाँ पर आप डालते हो ब्लर, यहाँ पर आप डालते हो उसके बाद स्प्रेड, फिर इसके बाद आप डालते हो कलर, फिर इसके बाद आप डालते हो इनसेट। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट मतलब कि शैडो कितनी दूर होगी। इसके बाद ब्लर है, ब्लर क्या करता है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोग दोगे यहाँ पर उतना ज़्यादा ब्लर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखो एक्सपैंड और श्रिंक्स द शैडो साइज़। अगर आप स्प्रेड बढ़ा दोगे तो आपकी शैडो का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा। फिर शैडो का कलर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, और इसके बाद आप कितनी अंदर शैडो रखना चाहते हो वो आपका इनसेट डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर लगाऊँ, मैं आपको यहीं पर लगा के दिखाता हूँ इसको शैडो को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, 5 पिक्सल, और ये कलर मैंने यहाँ पर दे दिया शैडो को। अगर मैं इस कलर को लाल कर दूँ या लेट्स से मैं इसको हरा कर दूँ यार, तो ये हरी हो जाएगी बॉक्स शैडो, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये बॉक्स शैडो कुछ इस तरह से दिख रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी सीएसएस के अंदर चेंजेस प्रीव्यू करने हो तब क्या किया करो कि इंस्पेक्ट कर लिया करो। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं ज़रा अपनी जो फेस है उसको हटाता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग को ये चीज़ दिखे, और ना यहाँ पर फोकस किया करो। देखो अब आप मान लो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर देखना चाहते हो कि यार मेरी जो यहाँ पर बॉक्स शैडो मैंने दे रखी है वो किस हिसाब से मैं हैंडल करूँ। अब देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये देखने को मिल रहा है, आउटसेट इनसेट ये सब वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो, और देखो इनको चेंज करके आपकी शैडो चेंज हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसका वाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट काफ़ी दे दिया। आप देखो इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये इधर को जाएगी, ऐसे करूँगा तो इधर को जाएगी। अब आपकी मर्जी है शैडो कहाँ पर आप लोग डालना चाहते हैं। अब शैडो कब बनती है आप बताओ, शैडो तब बनती है जब हमारी जो लाइट होती है वो एक डायरेक्शन से पड़ती है। यानी कि अगर लाइट का सोर्स यहाँ पर है और ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो शैडो कुछ यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो अगर आपको उस तरह का कुछ चाहिए तो आप लोगों को शैडो यहाँ पर देखने के लिए इन वैल्यूज़ को वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आप शैडो को कंफ्यूज मत करना आप बॉर्डर से, या आप कहोगे मुझे चारों तरफ चाहिए, नहीं, आप इसको इस तरह से रखो कि आपको ये शैडो की तरह दिखे। शैडो का मतलब शैडो होता है, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप इनसेट वैल्यू पर आओगे तो इनसेट वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो। ये अंदर को चाहिए अगर आपको शैडो, तो आप यहाँ पर इसको इनसेट इस तरह से कर सकते हो। अब आप देखो जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे इसका जो सिंटेक्स है वो चेंज होता जाएगा। आपने लिखा यहाँ पर इनसेट,
10 पिक्सल, 8 पिक्सल, 5 पिक्सल और ये कलर शेडो का, ठीक है। तो यूजुअली आप लोग यहाँ से इसका ब्लर भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो ब्लर, और ये सिंटेक्स आपका चेंज हो जाएगा। और स्प्रेड बढ़ाने से क्या होगा, इतनी ज़्यादा फैलेगी जितना ज़्यादा आप स्प्रेड बढ़ाओगे। आइडियली आप स्प्रेड को डेफिनेटली कम रखना चाहोगे, क्योंकि फिर जो शेडो होती है वो नेचुरल नहीं लगती है अगर आपने स्प्रेड को काफ़ी अननेचुरल कर दिया तो। ये सिंटेक्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सिंटेक्स था हमारा, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, फिर ब्लर, स्प्रेड, कलर और इनसेट। तो ये था बॉक्स शेडो के बारे में। आप इस तरह से इस सिंटेक्स को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज अ वे टू राइट द सिंटेक्स। अब बॉक्स शेडो के साथ साथ आप लोग टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हो। जिस तरह से आपने बॉक्स शेडो दी है, आप टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट शेडो को कुछ इस तरह से कर दूँ किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट में, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इनफैक्ट ये पूरी CSS ही कॉपी करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है और मैं कहूँ टेक्स्ट शेडो, ठीक है, और मैं लिख दूँ लॉरम 34 मान लो, और मैं यहाँ पर ये जो CSS है इसको लिख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर टेक्स्ट शेडो आ जाएगी। तो टेक्स्ट डैश शेडो, मैंने एक क्लास बनाई है टेक्स्ट एलिमेंट नाम से, मुझे क्लास बनानी थी, मैंने टेक्स्ट शेडो के नाम से बना दी, कोई बात नहीं यार, ठीक कर दूंगा इसको। और यहाँ पर देखो टेक्स्ट में शेडो आ गई है, इस कलर को मैं रेड करता हूँ ताकि आपको पता चले टेक्स्ट शेडो से क्या होता है। अब देखो टेक्स्ट में हमारी शेडो आ गई है, कभी कभी विजुअली हम चाहेंगे कि हमारी शेडो आ जाए टेक्स्ट में, एंड डेफिनेटली अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और उसके बाद वापस से अपने सिंटेक्स में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी जो टेक्स्ट शेडो है वो थोड़ी पर्पल टाइप की आए, पर्पल सा शेड मारे, और उसी के साथ साथ मान लो मैं चाहता हूँ कि पर्पल सा शेड मारने के साथ साथ मेरी जो टेक्स्ट शेडो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ को आए, ऐसे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, शेडो एग्जैक्टली शेडो की तरह दिख रही है। और मान लो मैं इसका ब्लर भी थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ या एक ब्लर इतना रखना चाहता हूँ कि बस हल्का सा दिखे, ज़्यादा ना दिखे, तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, और जो भी सिंटेक्स गूगल क्रोम जनरेट करेगा ना उसको मैं वापस ले जाऊँगा यहाँ पर कॉपी करके। देखो रटने पर मैं बिल्कुल कभी फोकस नहीं कराता हूँ, ना मैंने कभी किया खुद ने, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार गूगल क्रोम है, टूल्स हैं। देखो आने वाले टाइम में जो भी टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेगा ना वही एक अच्छा वेब डेवलपर बनेगा, फिर चाहे वो ChatGPT हो, GitHub Copilot हो, रैपलेट का AI हो, कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए मुझे कब कौन सा टूल यूज़ करना है और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करना है, वो आपकी वैल्यू को डिफाइन करेगा। AI कभी रिप्लेस नहीं करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं AI रिप्लेस कर देगा, नहीं करेगा AI, लेकिन रिप्लेस उनको कर देगा जो कि टूल्स नहीं जानते हैं यूज़ करना, और इनडायरेक्टली AI रिप्लेस करेगा। मैं इस डिबेट को पूरा एंड करना चाहता हूँ, AI रिप्लेस डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा स्मार्ट लोगों के द्वारा। स्मार्ट लोगों की AI इतनी मदद करेगा ना कि जो स्मार्ट नहीं है उनकी जो है उनका काम तमाम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। मैं बस आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, जो है सो है। AI रिप्लेस नहीं करने वाला किसी को, AI इंसान थोड़ी ना है कोई, तो AI घूमेगा इधर उधर, ऐसा तो अभी हुआ नहीं है, बाय द वे होगा कभी तो देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लॉरम इप्सम डॉलर सेट एमएट, ये इसके अंदर टेक्स्ट शेडो आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट शेडो भी जनरेट करी है चूँकि मैंने पर्पल कलर से करी थी वो आए, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पर इसका जो भी सिंटेक्स जनरेट हो रहा है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं मान लो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ और इसको मान लो ब्लर को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। टेक्स्ट शेडो का टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ मैंने देखा है कई बार कि लोग इस्तेमाल करते हैं, विजुअली थोड़ा सा अच्छा लगता है, मॉडर्न लगती है वेबसाइट थोड़ी सी, बट हाँ इतना ज़्यादा कोई मैंने यूजेज देखा नहीं है सिंपल वेबसाइट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू शुड नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटलाइन। आउटलाइन का क्या मतलब है, आप डालते हो विड्थ, आप डालते हो स्टाइल, आप डालते हो कलर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग बॉर्डर बनाने के लिए बोलते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, वैसे ही आप आउटलाइन दे देते हो। अब ये आउटलाइन और बॉर्डर में क्या डिफरेंस है, मान लो ये मेरा एलिमेंट है, मैं इसमें दे दूँ आउटलाइन, मैं कहूँ आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यानी तो बॉर्डर की तरह आ गई, ये क्या है, ये क्या चल रहा है। बॉर्डर भी डाल देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो देखो बॉर्डर अंदर होगा आउटलाइन बाहर होगी। बॉर्डर और आउटलाइन में बहुत बेसिक डिफरेंस है, क्या है कि आउटलाइन जो है आप लोगों की स्पेस नहीं लेती है, यानी कि बॉक्स मॉडल का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर होता है वो होता है। फिर इसके बाद आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है, कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन के ऑफसेट को बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से कि जो आउटलाइन की दूरी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन आप बॉर्डर की दूरी को डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते। हाँ मार्जिन होती है, पैडिंग होती है, वो एलिमेंट के बॉक्स मॉडल पर इफेक्ट डालेगी, लेकिन इस तरह से आप आउटलाइन के साथ जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ ना, ये आप बॉर्डर के साथ नहीं खेल सकते, ऐसे ऐसे इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अंदर बाहर नहीं कर सकते,
यहाँ पर जो है आप अंदर बाहर कर सकते हो आउटलाइन से, ठीक है। तो ये जो है कभी कभी आप लोगों को एक एलिमेंट को कवर करने के लिए आउटलाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। आउटलाइन एक्स्ट्रा में एक दी गई होती है कि यार अगर आपने बॉर्डर लगा लिया, आपका सब कुछ सेट है, अब उसके बाद भी आपको एक आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर्स कैन हैव वेरिंग विड्थ्स ऑन डिफरेंट साइज, आउटलाइंस हैव यूनिफॉर्म विड्थ, आप आउटलाइन की विड्थ चेंज नहीं कर सकते। फिर इसी के साथ साथ आप लोग जिस तरह से बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसी में बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, मान लो मैं 34 पिक्सल्स करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जैसे ही मैंने लगाई, ये जो है यहाँ पर कर्वी हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो बॉर्डर्स कर्वी हो गए। आउटलाइंस को डायरेक्टली आप लोग कर्वी नहीं कर सकते, आउटलाइन बॉर्डर को फॉलो करेगी, जैसे जैसे आप बॉर्डर रेडियस डालोगे आउटलाइन भी वैसे ही कर्व जो है अपना ले लेगी, ठीक है। तो आई होप कि यार ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी यहाँ पर कॉन्सेप्ट था बॉक्स शैडो का, टेक्स्ट शैडो का और आउटलाइन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों ने अभी देखिए सिग्मा वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लें, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग सोर्स कोड नहीं एक्सेस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वैसे तो आप साथ साथ लिखो, अगर आप साथ में कोड कर रहे हो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, बट आप लोगों को अगर कोड की ज़रूरत है या कुछ भी चल नहीं रहा है तो डेफिनेटली यू कैन विजिट दिस रिपोजिटरी और आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। पता है जब से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है तब से बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो कि मैं क्या बोलूँ यार, उन लोगों को काफ़ी बुरा लगा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि यार इसको बीच से ही पेड कर दो, बट आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट यार। ये सिग्मा कोर्स पूरा फ्री रहेगा तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ यार, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग टू रेज द बार लाइक एनीथिंग, और एक बार हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दी ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, एंड आई कैन प्राउडली से बेस्ड ऑफ योर फीडबैक। और मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने भी कॉन्टैक्ट किया कि यार ये क्या बना दिया, इससे तो हमारी जो बिक्री हो रही थी वो बंद हो गई, ऐसा वैसा। देखो यार, मैं पेड कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ, अगर मैं इस कोर्स को आज फ्री ला पा रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं तो कहूँगा इंडस्ट्री में कोई भी अगर आपको 99% पेड दे रहा है और 1% भी फ्री दे रहा है ना, तो रिस्पेक्ट करो यार उन लोगों को। मैं सब लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ जो भी थोड़ी सी भी क्वालिटी एजुकेशन अगर फ्री में या फिर अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करा रहे हैं, यू शुड एक्चुअली बी सपोर्टिव। आप लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये फ्री दे रहा है तो आप भी फ्री कर दो, यार सब कुछ फ्री नहीं हो सकता, ये चीज़ हम सबको समझनी होगी। बट सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स अभी फ्री है एंड वी आर गोइंग टू रेज द बार लाइक एनीथिंग, खतरनाक प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और कंप्लीट तक फ्री रहेगा, ये मेरा वादा है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि मैंने वादा किया था पहले वीडियो से कि यार ये कोर्स फ्री है, तो यार वो मेरा वादा है, फिर मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता, वो मैं तोड़ूंगा तो गलत है। बट मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी पेड कोर्स दे रहा है देन नथिंग रॉन्ग इन दैट इन माय ओपिनियन। आई होप आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए, आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। यार अभी हमने अपना बार रेज किया नहीं है, करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नई नई चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैंने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। काश मुझे कोई बता देता, मैंने इतने साल वेस्ट करके सीखी कि यार ऐसे करना था, वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा इस कोर्स में, तो आपका कितना टाइम बचेगा, कितना एफर्ट बचेगा, इस बात का अनुमान जो है आप लोग खुद ही लगा लेना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।